आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये हमारे आए दिन डेली यूजेज में काम आने वाला है, किराने का हिसाब। अब आप सोच रहे होंगे कि किराने में क्या हिसाब करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, ये वीडियो जो है वो किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनकी अपने किराने की दुकान है या किराने का नया दुकान खोले हैं, और दूसरे उस तरह के व्यक्ति जो किराने का सामान डेली खरीदते हैं, चाहे आपके घर के बच्चे हों छोटे। किराने में दो तरह की समस्या होती है। कई बार क्या होता है कि हम किराने में जाते हैं, जैसे हमें चावल चाहिए होता है, चावल, तो अब हम उस किराने वाले से कहते हैं कई बार कि ये आपकी शॉप है, तो हम एक शॉप ओनर की तरफ से एग्जांपल लेके चलते हैं, तो ग्राहक ने कहा कि हमको 20 रुपये का चावल दे दीजिए। अब हमें जल्दी कैलकुलेट करना है कि अब 20 रुपये का हम चावल कितना दें, तो अब इस तरह का कैलकुलेशन एक हो गया। इसका एक दूसरे तरीके का कैलकुलेशन होता है, जैसे कि कोई चीज़ है, उसने कहा कि मुझे 300 ग्राम आप चावल दे दीजिए, तो अब ये तरह का जो तो यानी कि जल्दी से हमको जोड़ के उसको बताना होता है कि हाँ इतना हम तौलेंगे, इतना रुपए का देंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे किसी ग्राहक ने हमसे चावल मांगा, चावल बोला कि आप हमको ना 20 रुपये का चावल दे दीजिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे, जितने रुपए का देना है, यानी कि कितने रुपए का देना है, कितने रुपए का देना है उसको भाग दे देंगे, यानी डिवाइडेड बाई जितने रुपए किलो रहेगा। अब जैसे चावल 20 रुपये का देना है, कितने रुपए केजी है चावल, तो 40 रुपये केजी है, तो जितने रुपए वस्तु का भाव रहेगा उस, जैसे हम यहाँ पे वस्तु का रेट लिख ले रहे हैं। अब जब इन दोनों में भाग देंगे तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, वजन। अब कैलकुलेटर का यूज करते हैं हम यहाँ पे, 20 डिवाइडेड बाई 40, तो अब देखिए 0.5 आ रहा है, यानी कि 500 ग्राम हमें उससे क्या करना होगा, चावल दे देना होगा। अब देखिए जैसे 0.5 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ 500 ग्राम, क्योंकि 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg बराबर 1000 ग्राम इंटू 1000, तो यह देखिए आपका 500 आ गया। तो जब भी दशमलव के बाद से, जीरो के बाद से 0.5 आया, ये 0.0 क्या होता है ना, कैलकुलेटर में जल्दी शो नहीं करता है। मोस्टली हम जो इसमें है 3 डिजिट तक का ही लेके चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, अब चावल है सेम, अब उसने बोल दिया कि आप 35 रुपये का मुझे, जैसे उसने किराने पे आया सामान वामान खरीदने के बाद से, अब उसके पास 35 रुपये बचे, तो अब हम 35 रुपये में क्या हमको चावल देना है, जल्दी से बताइए कितना देंगे हम 35 रुपये में। तो हमें पता है कि 40 रुपये केजी है, तो 35 रुपये का चाहिए उसको, 35 भागे 40, यानी कि अब देखिए ये जैसे यहाँ पे आया 875, यानी कि 875 ग्राम हमें देने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 870 ग्राम भी दे सकते हैं, 5 अपने पास रखिए, राउंड फिगर कर दीजिए। तो अब ये मोस्टली जो 3 डिजिट होता है, 3 डिजिट ही हम लेके चलते हैं, तो 875 ग्राम आप जो की है उसको दे दीजिए 35 रुपये में, तो ये आसानी से आपने निकाल लिया। इसी तरह अब दूसरा, उसमें क्या होता है कि ग्राहक कहता है कि जैसे मान लीजिए काजू है, तो अब ग्राहक के पास काजू, अब उसने बोला कि मुझे ना आप जैसे काजू 800 रुपये केजी है, तो ग्राहक बोला कि मुझे आप ना 300 ग्राम जो कि है काजू दे दीजिए, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे जल्दी से, तो इसके लिए भी हम एक फार्मूला यूज करेंगे, कितना देना है। अब जो देंगे वो या तो केजी में देंगे या तो ग्राम में देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इनटू यानी कि गुणा, किसमें, वस्तु के रेट में, जो भी रेट हो सकता है यहाँ पे, चाहे चावल का हो, काजू का हो, जो भी है, तो अब हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा, उसका मूल्य निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमें वजन पता चलता था, रुपए में मांगता था तो हमको वजन देना होता था, यहाँ पे वजन में मांगेगा और हमको निकालना क्या होता है, मूल्य, कि इसका मूल्य कितना हुआ, जल्दी से जोड़ के उसको हमको बताना होता है। अब जैसे यहाँ पे 300 ग्राम उसने काजू मांग रहा है, तो अब हम फिर से हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। और ख़ास तौर पे आपको एक चीज़ और बता दें कि क्या होता है ना, जब हम 300 ग्राम आपने कहा,
तो 300 ग्राम जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना होता है तो हमें यहाँ पे 0.300 लिखना होता है गुड़े, अब क्या है वस्तु का रेट कितना रुपए है, 800 रुपए केजी है, तो 800, अब इसको बराबर कितने रुपए का हो जाएगा, तो 240 रुपए। अब जो हम 300 ग्राम उसको तौल के दिए हैं उसके बदले में हम क्या लेंगे, 240 रुपए मूल्य लेंगे उसका। इसी तरह सपोज कीजिए कि उसने हमसे 300 ग्राम ना मांग के 600 ग्राम मांग दिया कि आप मुझे 600 ग्राम काजू दे दीजिए, तब हम जल्दी से इसका कैसे हिसाब निकालेंगे, तो 0.600 × 800, तो ये कितने रुपया हो गया, 480 रुपया। तो अब इस तरीके की कैलकुलेशन हम जल्दी से निकाल लेंगे। तो आपको बस यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है, जब भी अगर हम सामान खरीदते हैं या कोई मांगता है, यदि रुपए में मांग रहा है, रुपए में मांग रहा है यानी कि 20 रुपए का दे दीजिए, 25 रुपए का दे दीजिए, तो जितने रुपए केजी होगा या उसका जो भी मेन रेट होगा उस रेट में डिवाइड करेंगे तो हमारा वजन निकल के आ जाएगा। और जब वो वजन में मांगेगा तो उसके जो मेन मूलधन रेट से यानी कि 1 केजी का जो रेट होगा उस रेट से, वस्तु के रेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने मूल्य निकल के आ जाएगा। और ये चीज़ें जब याद रहेगी तो हम कभी भी किसी भी जगह पे आसानी से जो कि है अपना हिसाब किताब निकाल सकते हैं। और ये खास तौर पे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा काम में आएगी हमारी ये वीडियो, क्योंकि बच्चों को भी कई बार दुकान पे जाते हैं और वो मतलब सामने वाला कई बार थोड़ी सी चीटिंग कर लेता है, तो इस तरह की चीटिंग ना कर पाए। कई लोगों को हम देखते हैं कि थोड़े से कैलकुलेशन करने में उनकी जल्दी में कर नहीं पाते हैं और मतलब चीटिंग हो जाती है, उनके साथ धोखा हो जाता है। तो आपको हमारा ये वीडियो देखने के बाद से फिर से कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप हमारा ये वीडियो अपने बच्चों को भी दिखाइए और शेयर भी कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी तरह के वीडियो हम समय समय पर लेके आते रहते हैं, और भी हमारे वीडियो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।